हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अब तक के वीडियोस में हमने जाना बफर ओवरफ्लो क्या है और किस तरह से ये काम करता है। अब इस क्लास में हम वाले हैं प्रैक्टिकली, यानी किसी वेबसाइट पे बफर ओवरफ्लो की जो वल्नरेबिलिटी है उसका फ़ायदा कोई भी अटैकर किस तरह से उठाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम किसी दूसरी वेबसाइट को तो नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, लेकिन हम खुद की वेबसाइट कैसे बनाएंगे उस पर काम कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आई एम बिगनिंग, आप देखेंगे गूगल मैंने चलाया हुआ है, तो गूगल पे आप लिखिए वेब गॉट, अपने आप आ जाएगा ये। और जैसे ही आप इसे रनअप करेंगे तो यहाँ पे कोई भी वर्जन ले सकते हैं। अभी हालांकि इसका 8.1 भी रिलीज़ हो चुका है, तो 7, 8, 9 कोई भी जो वर्जन आपको सही लगे, मैंने 7 का यूज़ किया है, यू नो वे। तो आपको ये कोई भी वर्जन लेना है डाउनलोड कर लीजिए। ये जावा की फ़ाइल है, तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जावा है वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तभी ये जो फाइल है आप इसे रन कर पाएंगे। दूसरा, लोकल होस्ट की जो सर्विस है वो एक्टिव होनी चाहिए। लोकल होस्ट कैसे एक्टिव करते हैं, बहुत ईजी है, मैंने लास्ट के वीडियोज़ में बताया है वैसे कई जगह, तो ईजीली आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो लोकल होस्ट एक्टिव होना चाहिए, दूसरा जावा का जो प्रोग्राम है वो होना चाहिए, और थर्ड वन ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप इसे लोकल मशीन पे चला सकें। तो अब रन कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सीएमडी में जाना है, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। आप यहाँ देखेंगे मैं इसका कलर रेजोल्यूशन चेंज कर देता हूँ। तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद मैंने एक फोल्डर में इसे कॉपी किया हुआ है, तो चलिए उसी फोल्डर में हम चलते हैं। द नेम ऑफ द फोल्डर इज़ वेब गॉट। तो ये वल्नरेबल वेबसाइट है जो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं स्पेशली। तो वेब गॉट में हम गए, DIR करके डायरेक्टरीज देख लेंगे कौन कौन सी हैं इसकी। और अब डायरेक्टरीज देखने के बाद इसे रन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तब तक ये जो फाइल है मैं कर लेता हूँ कॉपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी ये फाइल हो चुकी है, उसके बाद आप यहाँ लिखिए जावा, क्योंकि हमें जावा से ही इसे चलाना है, जार, क्योंकि ये जार फाइल है, और मैं यहाँ इसे कर देता हूँ पेस्ट। तो इस तरह से ये जो फाइल है ये रनअप होना स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा सा टाइमिंग इसमें लगना है। और जैसे ही फ्रेंड्स ये फाइल रन हो जाए, आप देखेंगे अपाचे और टॉमकैट की जो सर्विसेज हैं वो ये स्टार्ट करेगा सबसे पहले, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये सर्विसेज को कर रहा है स्टार्ट, तो देख लेते हैं, लेट्स वेट सम टाइम। और जैसे ही ये सर्विसेज या ये जो प्रोग्राम है रनअप करेगा, आप देखेंगे रनअप करना स्टार्ट हो चुका है। अब बात आती है कि हम इसे अपनी जो वेब ब्राउज़र है उस पर हम किस तरह से चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, ब्राउज़र पे चलाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, लोकल होस्ट पे हमें जाना होगा। तो ये लगभग लगभग रन हो चुका है, थोड़ा सा आपको वेट करना है जस्ट, एंड आफ्टर देन लेट्स बिगिन। तो आप यहाँ देखिए लोकल होस्ट मैंने लिखा हुआ है, लोकल होस्ट पर ही हम इसे रन करने की कोशिश करेंगे। देन किस तरह से ये काम करेगा देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ आप देखेंगे कि अभी जो है लोकल होस्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लोकल होस्ट के बाद आपको लिखना है 8080, क्योंकि ये पोर्ट नंबर 80 पे चलता है कॉलन लगा के। तो जैसे ही लोकल होस्ट की सर्विस है वो चलेगी, वेब गॉट में आपको लॉगिन पेज पे जाना होगा, क्योंकि वेब गॉट हम चला रहे हैं। कई बार नहीं भी चलता है, अगर डायरेक्टली वेब गॉट लिख के आप एंटर करेंगे तो इसके अंदर वेब गॉट का फोल्डर होगा, तो कई बार डायरेक्टली नहीं भी चलता है, इसमें एरर्स भी आ सकती हैं। तो मैंने लिखा वेब गॉट लॉगिन डॉट एम वी सी। तो आप देखेंगे जो मेन जो हमारी फाइल है वेब गॉट जो है वो रनअप हो चुका है। तो लैब सेटिंग आपकी समझ में आ गई होगी। यहाँ यूज़र आईडी पासवर्ड में गेस्ट से हम चला रहे हैं, क्योंकि एडमिन चलाएंगे तो अलग बात है, लेकिन गेस्ट से चलाएंगे तो भी आप एडमिन लेवल का काम कर पाएँ, ये ज़रूरी है। आप नीचे देख सकते हैं अकाउंट यूज़र पासवर्ड हमें क्लियरली शो कर रहा है कि अकाउंट क्या है, यूज़र नेम क्या रखना है और पासवर्ड आपको क्या रखना है। तो सारी चीज़ें यहीं से, मैंने गेस्ट वाला जो अकाउंट है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इसी से आगे हम जो बफर ओवरफ्लो वाली वल्नरेबिलिटी है उसको हम अंजाम देंगे। तो अब आपकी समझ में यहाँ तक तो आ ही गया होगा कहाँ से हम इसे सेटअप करेंगे, कैसे इसे रन करेंगे, लेकिन पोर्ट नंबर 8080 पे चलेगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब हम इसे साइन इन कर देते हैं। साइन इन करने के बाद ये जो है लॉगिन हो जाएगी ये जो वेबसाइट है, और अब आप अपनी कोई भी जो बफर ओवरफ्लो की वल्नरेबिलिटी वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ को आप अंजाम देना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइमिंग लग रहा है लोड होने में, इट्स टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम। तो चलिए देन ओके परहैप्स समथिंग्स। तो पासवर्ड जो है उसे मैं नेवर कर देता हूँ, नेवर।
तो अब आप यहाँ पे अपने आप देखेंगे इंटरफेस ये स्टार्ट हो चुका है और जो भी आप काम करना चाहते हैं उन काम को यहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल लैब सेटिंग के बारे में आपकी समझ में आ गया होगा कि लैब सेटिंग किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर प्रैक्टिकली करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से ये जो बफर ओवरफ्लो की वल्नरेबिलिटी है वो काम करती है। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।